संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से आगे बढ़ा है, जिससे एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अगस्त के महीने में ये दूसरी बार है जबकि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जिस तरह से बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उसको लेकर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। हालांकि दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल से काफी नीचे है, करीब 3 से 4 मीटर नीचे अभी दोनों नदियां बह रही हैं। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से रामघाट के पास यहाँ पर जो संगम का स्थल है वो यहाँ पर सिमट करा गया है और ये गंगा नदी का जो पानी है और वो सीधे तौर पर हनुमान मंदिर के करीब तक पहुंच गया है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। नावें सभी किनारे पर लगा दी गई हैं, अलर्ट जारी किया गया है और बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम से 24 घंटे इस पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही साथ घाटों पर जल पुलिस को तैनात किया गया है, गोताखोर तैनात किए गए ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं और इस पर प्रशासन की पूरी नजर है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। कानपुर में स्कूल से पैदल जा रही दो लड़कियों को स्कूटी सवार शोते ने पीटा और जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रेप की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने तीनों शोधों के खिलाफ मारपीट, रेप की कोशिश के धाराओं में केस दर्ज किया है। सचिंडी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी आफरीदी समेत 3 शोधे फरार हो गए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक पीआरटी जवान के घोड़ा वालों से वसूली का वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने भी मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया में पीआरटी जवान द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले भीमबली में घोड़े वालों से वसूली का वीडियो सामने आया था, लेकिन न्यूज 18 ने भी प्रभावी तरीके से इस खबर को दिखाया। इसके बाद अथॉरिटीज हरकत में आई है और अब इस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मसूरी से खबर लेते हैं जहां पर हरियाणा के 4 लड़कों को गाड़ी के अंदर से भरा हुआ तमंचा लहराना भारी पड़ गया। मसूरी पुलिस ने नरेंद्र राठी समेत 3 अन्य अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया है। राठी मर्डर समेत कई संगीन धाराओं में पहले से भी आरोपी है। पुलिस ने राठी को आर्म्स एक्ट में अरेस्ट किया है। गाड़ी सामने से आई तो संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसमें तुरंत एक्शन में लेकर जामा तरह से पूछताछ की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पास, जिसका नाम नरेंद्र राठी था, उसके पास एक तमंचा जिसमें कारतूस लोड था वह 2 कारतूस अन्य उससे बरामद हुए। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी इन दिनों जमकर कहर बरपा रही है। दोनों ही नदियों ने एक महीने में 5 से ज्यादा गांव का अस्तित्व खत्म कर दिया है। गांव के रहने वाले 200 से अधिक परिवारों को नदी के किनारे बांधों में रहने पर मजबूर होना पड़ा है, जहां पर उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लखीमपुर खीरी का ये वो इलाका जहां पर 4 से 5 गांव इस वक्त जलमग्न है। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, बांध पर आकर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन आए दिन इन्हें तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। 5 गांव के लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने पलायन किया है। अब जो नदी के किनारे बसे गाँव हैं जल संकट से जूझ रहे हैं, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द ये जल संकट खत्म हो जिससे वो वापस अपने घरों की तरफ जा सके। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरी की पूरी जो घाघरा नदी है इसने आसपास के जो इलाके हैं उसको अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कटान इतना ज्यादा हो रहा है, जो नदी के किनारे लोग थे अब उन्हें अपने घर बार को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है।